वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें गर्व है कि इस साल हिंदुस्तान में पहली बार नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप होने जा रहा है, जिसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है जो टाइकोंडो की दुनिया में बहुत मशहूर हैं, और वो हैं कोच परशुराम जी। और आज का फाइनल मुकाबला है मिस्टर शशिवर्धन और सूरज के बीच। जैसे कराटे की दुनिया में ब्रूस ली और बॉक्सिंग की दुनिया में माइक टाइसन का नाम लिया जाता है, वैसे ही टाइक्वांडो में मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। खो खो और कबड्डी हमारे देश के सबसे पुराने नेशनल गेम्स रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने टाइक्वांडो को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। अब मैं खेल मंत्रालय के मिस्टर त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि वो यहां डायस पर आए और हमारे प्रोत्साहन में हम सभी से दो शब्द कहें। खेल मंत्रालय से मिस्टर त्रिपाठी, प्लीज। सबसे पहले हम आभारी हैं कोच परशुराम जी के, उनकी वजह से इस गेम को इतनी शोहरत मिल पाई है। उनकी लगन और विश्वास ने ही देश के कई बच्चों को नेशनल चैंपियन बनाया, देश को ताइक्वांडो जैसे खेल से रूबरू करवाया और देश के युवाओं को सूरज है? इस खेल में आगे बढ़ने कुछ के लिए बोलोगे? प्रोत्साहन दिया। वो हर बार फंक्शन में लेट क्यों हो जाता है? कुछ फ्रेंड्स सूरज का ऑटोग्राफ लेने के लिए बाहर लाइन में खड़े हैं। ऑटोग्राफ देने में क्या इतना वक्त लगता है? सिर्फ ऑटोग्राफ देना है तो बात 2 सेकंड की है, लेकिन पांव से सर तक देना हो तो टाइम लगेगा, इसलिए वो ऑटोग्राफ ऊपर बैठ के दे रहा है। आज मेरा जिस्म ऑटोग्राफ से भर दे सूरज। सूरज! अरे गुरुजी, वो नीचे फंक्शन चल रहा है ना? ओह, मेरे दिमाग से निकल गया। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। तुम पहले 1 घंटे लेट हो चुके हो, नीचे सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं तो करें, वरना उठ के चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। सूरज, बदतमीजी मत करो। अगर एक मामूली जीत से तुम्हें इतना अहंकार आ गया है तो तुम एक सच्चे खिलाड़ी नहीं हो। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम शराब और लड़कियों से दूर रहोगे, लेकिन तुमने वो वादा नहीं निभाया। तो मेरी बात भी सुन लो, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। हेलो, इसमें नुकसान सिर्फ आपका ही है। आपका नाम मेरी वजह से हुआ है, मेरा नाम आपकी वजह से नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हर वो इंसान जो अपनी पैदा करने वाली माँ और अपने गुरु का अपमान करता है, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता। सुनो, अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे सैकड़ों फाइटर्स खड़े कर सकता हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों खड़े करेगा तू? हाँ, खुद को इतना बड़ा कोच समझता है? जैसे दुनिया में एक सूरज और एक चांद है, वैसे ही टाइकोंडो में एक ही नाम है, सूरज। ये बात हमेशा याद रखना, निकल यहाँ से। गुरुजी, क्या हुआ? लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा अटैक है, ठीक हो जाएंगे। मेरे दादाजी भी छोटे अटैक से ही चल बसे।
तुम्हारे दादा दारू और सिगरेट बास थे। सठिया गई हो तुम, जो परशुराम जी की तुलना तुम अपने दादा के साथ कर रही हो। कहाँ तुम्हारे दादा, कहाँ परशुराम जी। लेकिन दारू और सिगरेट तो आप भी पीते हो जी। यानी मैं भी ऊपर जाने वाला हूँ। जब भगवान अकल बांट रहे थे तो सो रही थी क्या? जब बोलने की तमीज ना हो तो बोला मत करो, समझी। लेकिन बात तो हार्ट अटैक की हो रही है ना जी। चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी रहो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? डरने की कोई बात नहीं है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। चिंता मत करो बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटी लक्ष्मी, फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी में कितना पैसा खर्च होगा? कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर, पैसों का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। पर बेटा ये बताओ, तुम पैसे का इंतजाम कैसे करोगी? गाँव में दादाजी की काफी जमीन है, उसे बेच कर इंतजाम हो जाएगा। अगर तुमने वो जमीन अभी बेच दी तो तुम्हारी शादी का खर्चा कहाँ से निकलेगा? जब शादी होगी तो देखा जाएगा। हाँ हाँ, मतलब कि ऑपरेशन के लिए तुम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दोगी। कहते हैं कि बाईपास के बाद बचने के चांसेस कम होते हैं, और अगर ऑपरेशन के बाद उन्हें कुछ हो गया तो। छी छी छी, जब भी मुंह खोलती है मनहूस बातें ही बोलती है। कभी तो शुभ बोला कर। जी मैं तो बस चुप कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती है। सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ट्रेन चलते चलते नदी में गिर गई तो क्या होगा? अगर मैं मर गई तो मेरी अस्थियां गटर में बहाओगे कि गंगा में बहाओगे? मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगे या नहीं? जब देखो उल्टा ही सोचती रहती है। मन करता है घुमा के एक दो अकल ठिकाने आ जाए। बेवकूफ, इसी तरह भक्ति रही तो एक दिन जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। सुनो विश्वास, आखिर चित्रा गलत क्या कह रही है? मेरे ऑपरेशन की कोई जल्दी नहीं। असल में वो जमीन मैंने लक्ष्मी की शादी के लिए बचा रखी है, तो उसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। देखे भाई साहब, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होती तो ये सोचना ही नहीं पड़ता। मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है, लेकिन आपका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए जब लक्ष्मी ने गांव की जमीन बेचने की बात की तो मैं मना नहीं कर पाया। रही लक्ष्मी की शादी की बात, तो उसमें अभी 1-2 साल का वक्त है, हो जाएगा। अजीब सी बदबू है। जल्दी करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो। रुको, मेरे लिए रुको। अब ये कार्टून कौन आ गया? गलती से छू लिया, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हेलो, जरा इधर आना। तो तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं बल्कि गिर गया है। भला भैंस को कोई सॉरी बोलता है? इसमें क्या हुआ भाई, अगर तुम मुझसे टकराओगे उसके बाद तुम मुझे सॉरी बोलोगे ना? हाँ, इसीलिए मैंने भैंस को सॉरी बोल दिया। अगर वो हर्ट हो गई और दूध देना बंद कर दिया तो? पक्का तुम अकलमंद नहीं? अकलमंद हो। अब अबे गधे दिखता नहीं है? मुझे लगा था इस नाव में सिर्फ भैंस ही सफर कर रही है, मुझे नहीं पता था इसमें हाथी के रिश्तेदार भी होंगे। ए, हाथी किसको बोलता है? बहन जी आप कोई हाथी बोल रही है? सॉरी बहन जी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे बहन जी आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? चक्की? पूरी चक्की खाती हूँ। पूरी चक्की खा जाती है? पूरा सफा चाट। उसके बाद भी अगर भूख लगे तो? तेरे जैसे को खाती हूँ। आज के लिए इतनी खुराक बहुत है, आ जाओ। ये भैंस भी जहाँ देखो गोबर करती रहती है। क्यों भाई, भैंस को नाव पर चढ़ाने से पहले उन्हें गोबर नहीं कराते हो क्या? अरे मेरा इनसे क्या लेना देना। तो ये भैंसे तुम्हारी नहीं है? नहीं। तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, इसके मालिक का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही पता लगाना होगा। बिल्कुल लगाऊंगा। तो फिर लगाओ ना। अरे सब सुनो रे, यहाँ पर बंदी भैंस किसकी है? ओए, मारी है। अबे अकल बेच खाई है क्या? भैंसों को नाव से ले जाने का क्या मतलब है? उन्हें पानी में छोड़ दो, खुद ही तैर कर चली आएंगी। तू भी तो सांड लगा है, तो फिर तू क्यों नाव में चढ़ी है? मैंने पानी में उतारू के या तू खुद ही उतरेगा? भाई साहब, ये आपने क्यों नहीं पूछा मेरी इज्जत का फालूदा करवा के क्या मिला आपको? छोड़ना, कौन जाके उस गांव वाले से माथा पच्ची करता? क्यों? आई सी, आपने मेरे कंधे पे बंदूक रखकर मुझे ही शूट कर दिया। आपको सुबह से मेरे अलावा और कोई नहीं मिला? हाँ तुमने सही कहा। तुम्हारे हाथ में जो छाता ये खुलता भी है या तुम्हारी अकल की तरह ये भी बंद रहता है? खुलता है, क्यों नहीं खुलता ये देखो।
थैंक यू। देखो हम तुम्हें जानते नहीं लेकिन तुम हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। तुमने हम सबकी जान बचाई है इसके लिए हम आभारी हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे यही मेरी कामना है। सही कहा भाई साहब। रामचरण, गंगा मैया तुमसे बेहद प्यार करती हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे वो छोड़ो, ये बताओ नाव बेकाबू। अरे रामचरण वो काम छाते वाले का है। छाते वाले का? मैं छाते वाला हूँ, मुझे ऐसा वैसा मत समझना। देखो भाई हमारे गांव में ऐसे छाते नहीं चलते हैं, हम अपने छाते खुद बनाते हैं। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मैंने ऊटी में पंखे बेचे हैं, हिमालय में जाके मैंने आइसक्रीम बेची है आइसक्रीम। अच्छा, और टाटा का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उनको भी लोहा बेचने वाला मैं, यहाँ तक कि धूप से बर्फ जमा लेता हूँ, ये है मेरी कैपेसिटी। अरे रघु जी, कल कहाँ गया था? दिन भर दिखा नहीं, शहर गया। अच्छा ठीक है, ये पुआल मेरे जानवरों को डाल दे। हाँ डाल दूंगा। ए सुन सुन, उस आदमी को देख रहा है ना? कहाँ पे? वो बड़ी मूंछों वाला। हाँ देख रहा हूँ। हाँ उसे तू एक छाता बेच के दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। अरे ये क्या, मैं सारे छाते उसी को बेच दूं? जरूरत नहीं है, बस एक ही बेच के दिखा दे। अरे वो सामने ही खड़ा है। हे बाबा इधर से, इधर से। काफी अच्छा छाता लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। एक छाता कितने में दिया? सिर्फ 100 रुपए में। सिर्फ 100 रुपए? और नहीं तो क्या, बहुत सस्ता है। एकदम। एक बार जरा चेक कर लो। अरे जितना चाहे चेक कर लो, लगातार चेक कर लो, तुम थक जाओ तब तक चेक करो, 5 साल की गारंटी। किसी भी तरह चेक करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बहुत ही बढ़िया आदमी लग रहे हो तुम। अरे अरे ये क्या? अरे चेक ही तो कर रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? अरे ये कैसी चेकिंग है? अरे ये क्या कर रहे हो, तुम तो फाड़ रहे हो, ऐसे मत करो। अरे ऐसी चेकिंग नहीं करते। अरे ये क्या कर दिया? चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि किसी भी तरह चेक कर लूं। कोई भला इस तरह चेकिंग करता है क्या? ये कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है। इस 1 मीटर का भाव क्या है? सिर्फ 15 रुपए। और इस हैंडल का भाव क्या है? क्या हुआ छाते का भाई, तेरी तो अचानक बोलती ही बंद हो गई। नमस्कार। अरे सुबह से कहाँ घूम रहा था, चल एक सिगरेट दे। छाता ले लो, छाता ले लो, छाता ले लो। अचानक इसे क्या हो गया भाई? हो रहा क्या था भाई? किसने बाबू राव को छाता बेचने की कोशिश की और पागल हो गया? बाबा दिल्ली से लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी दिल्ली से यहाँ आई है, साथ में और कौन आया? चल के देख लीजिए। देखो बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुमने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। देखो तुम्हारी शादी मैं अपने गांव में ही करवाऊंगी। और हाँ बेटी, तुम्हारे लिए हम सबके कुछ अरमान भी तो हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो खुश रहो। कितनी सी थी तब देखा था, अब तू इतनी बड़ी हो गई है, यहाँ सब तेरा ही है, जो चाहिए ले लेना। अरे विश्वास भाई कैसे है आप? अच्छा हूँ, आप बताइए बाबू। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ विश्वास भाई। आइए बैठिए। आज अचानक इस गरीब खाने में कैसे आ गए? कोई खास बात? दरअसल आपके भैया जो। खबरदार, भैया के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। उनको याद भी है, उनका एक छोटा भाई गांव में भी रहता है। ये याद है कि उनके भतीजे उन्हें याद करते हैं, वो भी उनके प्यार के लिए कितना तरसते हैं। अगर उन्हें हम लोगों से प्यार है तो मिलने यहाँ क्यों नहीं आते? दरअसल चाचा जी बात ये है कि अरे भाई साहब के पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? वो तो खेल कूद में हमेशा ही मस्त रहते हैं। माँ क्या तुम भी इनके साथ बातों में लग गई? जल्दी जाओ ना, मुझे भूख लगी, पूरी लेकर आओ। सारी पूरी तुम दोनों अकेले ही चट कर जाओगे या फिर मेहमानों के लिए भी कुछ छोड़ोगे? इतने सालों बाद विश्वास भाई यहाँ हैं, इनकी खातिरदारी करो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत है? तुम कौन हो है? बताओ कौन हो तुम बड़े भाई? बड़े भैया पिछले 20 सालों से आपके घर में किराए पे रह रहे हैं, क्या आपने कभी भी उन्हें अपना किराएदार समझा है? और तो और वो खुद भी उसे अपना ही घर समझते हैं। आपके अपने कोई बच्चे नहीं है लेकिन आप लक्ष्मी को अपनी ही संतान की तरह मानते हैं, आजकल ऐसा कौन करता है? अब आप ही बताइए कि हम आपकी खातिरदारी करें कि नहीं। हाँ भाई ठीक है करिए, लेकिन बाबू राव जी यहाँ आने की हमारी एक वजह है। कौन सी वजह? दरअसल मुझे नहीं जानना है वजह, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, ना तो उसे मुझे जानना है और ना ही कुछ सुनना है। जिस तरह बारिश के आने से धरती खिल उठती है वैसे ही लक्ष्मी के आने से मेरे घर में बहार आ गई। कुछ भी हो जाए इस गांव के बड़े त्योहार को देखे बिना ना तुम जाओगी ना आप जाएंगे। खाने का वक्त हुआ नहीं कि जनाब हाजिर हो जाते हैं, आप कुछ पूछेंगे या नहीं? पूछता हूँ। अरे रामचरण इस बकरे को बेच कर क्यों नहीं आए? कैसे बेच देता इसे मैं? जिस वक्त ये पैदा हुआ था सबसे पहले मैंने ही इसे गोद में उठाया था और तब से हर वक्त ये मेरे साथ रहता है, आप सब जानते हैं। आप सब इसे बकरा समझते होंगे लेकिन ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इसे कसाई को बेचकर भला कैसे रह पाता? सुना आपने? हाँ सुना। दिल तो सिर्फ इन्हीं जनाब के पास है, हम सब तो कसाई है ना।
चाचू पहलाने वाला मुझे खिलाना। तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है? मुंह खोल। छी बदबू आ रही है। ए, चुप कर। ज्यादा बड़बड़ की तो मार खाएगी। तेरी थाली में खाना पड़ा है ना, तो इनकी थाली से खाना क्यों खा रही है? परी को क्यों डांट रही हो भाभी? ये खाना बासी हो चुका है। तो क्या तुम्हारे लिए अलग से ताज़ा खाना बनाए निकम्मे कहीं के? अगर कल का खाना पड़ा है तो क्या हम उसे फेंक दें? खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। आपने राम को ये खाना क्यों परोसा? सिर्फ तुम अपने भाई से प्यार करते हो, क्या हम नहीं करते? अरे परसों का खाना पड़ा था, खाने को दे दिया। नहीं खाना है तो जानवरों को दे दो। राम पे इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम दोनों से ज्यादा ये काम करता है। हाँ, खाता भी तो है तुम लोगों से चार गुना ज्यादा। छोटा भाई है, कहीं का राजा तो नहीं? समझ में नहीं आता तुम लोगों ने इसे सर पे क्यों चढ़ा रखा है। रहने दो, जब भूख लगेगी अपने आप लौट आएगा। अरे ओ राम और लक्ष्मण, खाओ ना तुम लोग, सब अकेले खा जाओ, सारी घास एक बार में चट कर जाओ। क्या हुआ जो तुम्हारे रामचरण का पेट खाली है? मेरे बारे में आखिर क्यों सोचोगे? तुम्हें तो ताजा चारा मिल रहा है ना, और वैसे भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभियां भले ही गुस्सा करती हूँ, लेकिन खाना बनाने में नंबर वन है वो। लगता है सभी ने खाना खा लिया, अब तो भूखे ही सोना पड़ेगा। कौन है? मैं हूँ। क्या है? आपके लिए खाना लाई हूँ। साथ में अचार भी है ना? अचार के साथ घी भी लाई हूँ। दे 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 जल्दी। मैं खिलाऊंगी। आप रो क्यों रहे हैं? आपको माँ की बातों का बुरा लगा? मुझे अपनी माँ की याद आ गई। पिछले जन्म में तू मेरी माँ रही होगी परी। माँ का प्यार मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन तुझमें मुझे अपनी माँ दिखती है। तो फिर जल्दी से खाओ। क्या देख रही हो दीदी? हाँ, वो उसे। हाँ, उसे देखकर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? एक नंबर का निकम्मा है वो, टोटल टाइम वेस्ट। उसे मत देखो तुम। एक बात बताओ, इतने अंडे क्यों? क्योंकि कल गांव में मुकाबला है ना। मुकाबला तुम करोगे? तो फिर ये क्या करेगा? वो तो निकम्मा है और ये महानिकम्मा। भैया और खाओगे? नहीं, बाद में खाऊंगा। ठीक है। ये भी हिस्सा लेगा? जीत पाएगा? कोई चांस नहीं। इसकी अकल मोटी और शरीर पतला है, और उसकी अकल भी मोटी और शरीर भी मोटा, दोनों नमूने। अरे जोर तो हम में होता था। ये हर साल होता है? हाँ, ये हर साल होता है। तुम यहाँ ये छाता खरीदोगे? पागल हो गया क्या? उधार भी चलेगा? मैं उधार नहीं लेता। तू तो एकदम भिखमंगा है। देखो मुझसे मजाक नहीं। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? हमारे जमाने में ना वो आ गया। हमेशा मैं ही जीतता था। अरे बाबूराव, अरे ये कहाँ गया? प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष की दौड़ प्रतियोगिता भी बहुत धूमधाम से होने वाली है। सरपंच जी इसका शुभारंभ करेंगे। आगे कहाँ घुसी जा रही है? मेरी चाची जीतने वाले हैं, देख लेना। कौन है तुम्हारे चाचू? वो वाले जो सबसे तगड़ी और सबसे अच्छे है ना, वो जो मोटे से है वो नहीं जीतने वाले। देखो वो जो पतला लड़का है ना, मेरा भाई है, वो ही जीतेगा। वो जो सूखी लकड़ी की तरह है वो नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो मेरे चाचू। नहीं, मेरा भाई जीतेगा। मेरे चाचू जीतेंगे। मेरा भाई जीतेगा। अच्छा, आपका भाई जीतेगा, ठीक है। कहाँ जा रही हो? भगवान से दुआ मांगने। कैसी दुआ? ताकि जब आप दोबारा से नाव में चढ़े तो वो पानी के बीच में ही टूट जाए और आप डूबकर वहीं मर जाए। बाप रे, कोई भगवान से ऐसी दुआ मांगता है क्या? ठीक है, तुम्हारे चाचू ही जीतेंगे, लेकिन तुम ऐसी दुआ मत मांगो। ठीक है, तो भगवान से कहो कि मेरे चाचू को जितवाए। ठीक है। Thank you.
तुम्हारा मतलब क्या है? दिल का दौरा उन्हें पड़े और कीमत मैं चुका हूँ? ये नहीं कहा चाचा जी, हमारी जमीन है, हम उसे बेच कर। हाँ हाँ, तो तुम उसे बेच के पैसे लेने आई हो, बहुत अच्छे। हमारे जमीन जायदाद में तुम लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं है। माँ बाप ने पैसे खर्च करके पढ़ाया लिखाया, और क्या चाहिए उन्हें? इसी वजह से उन्हें सिर्फ 5 एकड़ जमीन दी गई। तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम्हें 20 एकड़ जमीन मिली। वो सब छोड़िए, उनकी जिंदगी खतरे में है, वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या एतराज है? अब वो पढ़े लिखे थे, आगे बढ़ गए, और आप आगे नहीं बढ़ पाए तो। एक शब्द भी और मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी पढ़ाई कर सकता था, लेकिन उनके लिए मैंने त्याग किया। मैंने कहा आप किताबों का बोझ उठाओ, खेती की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। मैंने कहा आप स्कूल जाओ, जानवरों की सेवा मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा आप नए कपड़े पहनो, फटी धोती मैं ही पहन लूंगा। मेरे त्याग के वजह से ही आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अब क्या अपना सारा सामान बेच के अपने बच्चों के साथ कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगूं? कैसी बात करते हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? इतने सालों से आप हमारी जमीन पर खेती कर रहे हैं, हमने कभी पैसे भी नहीं मांगे। अब हमें अपनी जमीन बेचनी है क्योंकि हमें पैसों की सख्त जरूरत है, तो आपको एतराज क्यों है? मुझसे सवाल पूछ रही हो? तेरी बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। बाबूराव जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे जमीन उनकी है, वो बेचना चाहते हैं। ये खैर मनाओ कि तुम्हें आज रात यहाँ रुकने दे रहा हूँ। खेतों का ख्याल दिमाग से निकाल दो वरना। ए मुरली सुनो। रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको पंचायत में जाना चाहिए। बेटी लक्ष्मी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा यूं समझ लो जैसे राम और रावण हैं। कायदे कानून के हिसाब से ये खेत तुम्हारे हैं, तुम जिसे चाहो बेच सकती हो, और इसमें हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सरपंच, ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पंचायत का कोई भी फैसला मान लूंगा और स्वीकार कर लूंगा क्या तुम्हारी हर बकवास को? अगर मेरे साथ होशियारी की ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरते दम तक याद रखोगे सबके सब। बाबूराव, तमीज से बात करो। बकवास बंद करो तुम लोग। अगर किसी ने मेरे मामले में टांग अड़ाई तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा। बाबूराव जी, मर्यादा में बात कीजिए। तू कौन है रे? अबे कौन है तू? ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, अगर तू बीच में पड़ा ना तो अपनी जान से हाथ धो देगा। चाचा जी, आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। शुक्र करो मैंने तुम्हें अपना असली रूप नहीं दिखाया है। शांति से आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ इस गांव से वरना बांध के फेंकवा दूंगा इस गंगा में। बाबूराव जी, हम यहाँ से जमीन बेच कर ही जाएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। अच्छा तो तू नहीं जाएगा? अब मैं बताता हूँ तू कैसे जाएगा मेरे सामने। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। कल का छोकरा तू मुझे सिखाएगा? इंसान की तरह पेश आओ। रामचरण, पिताजी पर हाथ उठाया। वही है जिसकी पापा को तलाश थी। अरे रुको रे, मुझे भी साथ ले लो, ये तो सबक मैं सिखाऊंगा। ए, ए रामचरण, तूने मुझसे पंगा लिया है ना? अबे चल निकल यहाँ से,
मैं आज तुम लोगों को जिंदा जाने दे रहा हूँ, इसी की खैर बनाओ। इतने लड़ाई झगड़े के बाद अब हमारी जमीन कौन खरीदेगा? अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीदूंगा। अगले हफ्ते आप लोगों को जमीन के पैसे मिल जाएंगे, अब मैं चलता हूँ। सरपंच जी ने कहा कि तुम्हारे हाथों पैसे दिल्ली भिजवा देंगे। मैं और दिल्ली जाऊंगा? क्या बात कर रहे हैं। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ऑपरेशन कामयाब होगा और आपके पिताजी पूरे 100 साल तक जिएंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? रामचरण, तुमने जिंदगी में कभी अपने बारे में सोचा है? इसमें अपने बारे में सोचने की बात कहाँ से आ गई? मुझे कड़ी मेहनत करना है, बढ़िया खाना खाना है और रात को चैन की नींद सोना, और कुछ नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता है तुम एक ऐसा हुनर है जिसे तुम अनजान हो। एक बिल्कुल अलग दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या कह रही है? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? देखो, उस दिन जब तुमने नाव को खींचकर हम सब की जान बचाई तो ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे रूप में साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए हों। पंचायत में जब तुमने इतने सारे लोगों को ढेर कर दिया तो ऐसा लगा कि हम भीम को अपने सामने देख रहे हों। देखो रामचरण, तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश लक्ष्मी के पिताजी कर रहे हैं। अगर तुमने उनसे ट्रेनिंग ले ली तो तुम ताइक्वांडो चैंपियन बन सकते हो। ताइक्वांडा? हाँ, ताइक्वांडो। ये भद्राचलम गांव का गवार ताइक्वांडा के बारे में क्या समझेगा? तुम एक बार दिल्ली आ जाओ, वहाँ सब पता चल जाएगा। नमस्कार करता हूँ, मैं तो अपने गाँव में ही बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही मेरी दुनिया है। आप लोग जाइए, मैं अपनी गंगा मैया को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक बार आके देखो प्लीज। सूरज अगर एक ही जगह पर स्थिर हो जाए तो क्या दुनिया में उजाला हो पाएगा? तुम्हें एक बार दिल्ली जरूर आना चाहिए। अच्छा रामचरण, ये हमारे घर का पता है, जब मन करे आ जाना। चलते हैं। अरे भगवान करे उसके हाथ पैर टूट जाए, उसकी खुशियाँ लूट जाए। मेरे बच्चे को कितनी बेरहमी से मारा है, तेरा तो सत्यानाश हो जाए। घर में खाने को अनाज तक नहीं है और मेरे पति पे हाथ उठाते हो, अब तुम लोग भूखे मरोगे। मुझे कितना कुछ सुना पड़ रहा है तुम्हारे भाई के करतूत की वजह से, उसके लिए मैं क्यों सुनूं? चुप करो। ओए, रुक जाओ। तुम लोगों को सबक मैं सिखाऊंगा। तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया है ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे मर्डर केस में फंसा के सारी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाबूराव काका, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत की है। ए, तुम्हारे और मेरे खेत अगल बगल में है। एक बात याद रखना, अगर मैंने पानी छोड़ना बंद कर दिया ना तो तुम्हारी फसलें सूख के बर्बाद हो जाएंगी। तुमने मुझसे पंगा लिया है, तुम्हें तो पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। बाबूराव काका, गुस्सा थूक दीजिए, हम दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, बात को समझिए। किसी को मार पीट के माफी मांग लो, मैं इतना महान नहीं हूँ, आसानी से अपना अपमान नहीं भूलूंगा। तुम लोगों को सबक सिखा कहीं तुम लूंगा। काका रुको रुको, रामचरण आ गया, ये आपसे माफी मांगे। रामचरण चल चल, माफी मांग, माफी मांग, काका से माफी मांग। तूने इनका अपमान किया, अच्छी बात नहीं, चल जा, वो बड़े तेरे। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की। उल्टा जवाब मत दे, चल माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? माफी मांग। ये माफी मांगेगा? अरे नहीं मांगेगा, इसे तुम लोगों की परवाह नहीं है। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे खेतों में पानी कैसे पहुँचता है। तुम हमें चैन से जीने दोगे या नहीं? हम लोगों ने तुझे खाना खिलाया, उसका ये सिला दिया, अरे तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? करता वर्ता तो ये कुछ है नहीं, और घर का सारा खाना खुद अकेले ही खा जाता है। छोटा समझकर हम कुछ नहीं कहते हैं। हमारे लिए कुछ बचे या ना बचे, ये हमेशा भरपेट खा के सो जाता है, और इसे हमारी तकलीफों से क्या लेना देना। पूरी बात बताओ ना, सारा अचार किसने खाया जो पिछले हफ्ते बनाया था? हमने तो देखा भी नहीं और सारा अचार खत्म हो गया। शैतान की तरह खाता रहता है, फिर भी छोटा समझकर हम इसे माफ कर देते हैं। अरे चलो अचार खा लिया, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बेइज्जती करवाएगा तो कैसे चलेगा? जी इसे घर से अभी बाहर निकालो या हम चले जाते हैं, फैसला कर लो। चलो दीदी। अरे तू देख रामचरण, ठीक है ये घर तू ही रख, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, तब तुझे शांति मिलेगी। अब तू ही रह यहाँ, हम लोग जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं ही चला जाता हूँ। रुको, इसकी सूटकेस लो और सामान चेक करो।
भैया आप सब तो एक दूसरे का सहारा है, मेरे पास कौन है? मैं बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ। भाभी मैं यहाँ से सिर्फ एक तस्वीर लेकर जा रहा हूँ, देख लीजिए मैंने कुछ भी नहीं चुराया, सिर्फ ये तस्वीर है। परी बेटा मैं जानता था कोई आए या ना आए लेकिन तू मुझसे मिलने जरूर आएगी, इसीलिए मैं यहाँ बैठा था। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं चाचू? दिल्ली जा रहा हूँ बेटा। आपके पास पैसे तो है ना? बेटा पैसे तो नहीं है लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, खूब ढेर सारे पैसे कमा कर आऊंगा। आपके पास तो जाने के लिए भी पैसे नहीं है और आप कमाने की बात कर रहे हैं। हमें मास्टर जी ने सिखाया था कि पैसों को हमेशा जरूरत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए क्योंकि एक बार वो चले गए तो वापस नहीं आते। बोल बेटा मैं वहां से तेरे लिए क्या लेकर आऊं? बड़े आदमी बन के आना बस। गांव में सब आपको भला इंसान कहते हैं, उसी तरह शहर में भी अच्छा काम करना ताकि सब आपको पसंद करें और माँ बाबा को यकीन हो जाए कि आप निकम में नहीं है, ठीक है ना? तू तो बिल्कुल राजा है रामचरण, थारो साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं, फिक्र मत। रामचरण अगर शहर में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम लौट के बेझिझक हमारे घर आ जाना। मेरी बात सुनो रामचरण, तुम इतने मेहनती हो कि सभी तुम्हारी कदर करेंगे। ये लो रामचरण इसे रख लो। रहने दीजिए। अरे रख लो रामचरण। अरे रख लो काम आएंगे। रखो। रामचरण तुम सिर्फ नजरों से दूर जा रहे हो लेकिन तुम हमेशा हमारे दिल के करीब रहोगे। तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब हम मदद के लिए किसे पुकारेंगे? रामचरण तुम्हारी आंखों में आंसू। इस गांव से दूर जाते हुए लगता है अपनी माँ से दूर जा रहा हूं। भागी जा रहे हो? राम बेटा, लक्ष्मण बेटा, देख रहे हैं? हे गंगा मैया, आज जिंदगी में पहली बार मैं इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूं। मेरे परिवार ने मेरा अपमान किया और यहां से नालायक होने का बोझ लेकर जा रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा के लिए अपने गांव से मुंह मोड़ के नहीं जा रहा, मैं एक दिन यहां जरूर वापस आऊंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, उसके बाद ही आपका पानी पीऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। ऐसा क्या दिखता है? चल पैसा निकाल। देता हूँ। टाइम खोटी मत कर। चल चल। क्या हो रहा है यहाँ? दिखता नहीं है क्या? हफ्ता वसूली हो रही है, किसके लिए? छोटे बड़े के लिए। छोटे और बड़े कौन है ये लोग? छोटे मियाँ बड़े मियाँ ये दोनों है। आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज्यादा बात नहीं करता, हुक्म देता हूं और कांटा निकल जाता है। तुम जैसों को तो मैं सिर के जुओं की तरह मसल देता हूं इंस्पेक्टर। ना चाकू ना तलवार से, हम मारेंगे नाखून की धार से। तुम जैसों को हम अपनी आक्षी चीख से ही मार सकते हैं। ना बुलेट ना पिस्तौल से, हम मारते हैं गालियों के बोल से। ना अस्त्र से ना हथियार से, हम मारते हैं बातों की वार से। Hey! 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 H
ढिच के आऊं, ढिच के आऊं, ढिच के आऊं, ढिच के आऊं। तुम नमूनों ने गोमती एक्सप्रेस से जो चेनें चुराई थी वो कहाँ छुपा रखी हैं? बको जल्दी। माँ कसम, झूठ नहीं बोलते हम। हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? सॉरी, माँ को हम खतरे में नहीं डालते सर। ड्रामेबाजी नहीं, नाटक नहीं चाहिए। ठीक है, मान लो सर, हम तैयार हैं। बच्चा समझ के माफ कर दो सर। आज के बाद चोरी बंद सर, प्रॉमिस। तुम क्या समझते हो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? गलती से मिस्टेक हो गई सर। चोरी का काम तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं सर। या बचपन से कैसे, जरा बताओ तो। उसमें क्या सर, हम बचपन से अपने पैरों पे खड़े हो गए। बचपन में दादाजी कहा करते थे, अरे बेटा, इंसान को कुछ बनने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास नहीं है सर, सर के बाल भी एक उम्र के बाद झड़ जाते हैं और एक उम्र के बाद सफेद हो जाते हैं सर। वैसे ही सुनिए सर, आज से हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। एक मौका देंगे, देखिए सर। चलो तो फिर तुम्हें एक मौका दे ही देते हैं। मजबूत बकरा आया है, तो चलो इसे हलाल कर देते हैं। चल छोटे। अरे अरे अरे, मेरा सूटकेस, सुनो, मेरा सूटकेस लेकर कहां भाग रहे हो? रुको, ये पकड़। और क्या माल है? अरे माल वाल कुछ नहीं है, ये बदबू मारते कपड़े हैं और साथ में दातून है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। हेलो विलेज पर्सन, गांव वाले, आइए सर, आपको ही ढूंढ रहे थे। मेरा सूटकेस आपका, ये ले लीजिए। हम इसे तुम्हें देने ही आए हैं। देना था तो लेकर भागे क्यों? क्या बताया सर, हमारे धंधे में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब नहीं समझे, अरे काम के लिए। अरे काम नहीं मिलता है ना, इसलिए पापी पेट के लिए हम ऐसे ही सामान ले लेते हैं। बेचारे, यहाँ तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, मैं कुछ मदद करूँ? आप जो भी देंगे हमारा सौभाग्य होगा सर। आठ आना भैया। अरे बाप रे, आठ क्या हुआ, कम है क्या? अरे नहीं नहीं सर, जिंदगी में पहली बार हमें किसी ने इतनी बड़ी रकम मेहनताना में दी है सर। वो क्या है कि मैं हूँ ही बड़े दिलवाला। सही बात है, साक्षात हरीश चंद्र हैं आप। आप जैसे नहीं होंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया? हाँ। ये एड्रेस बता सकते हो तुम लोग? भैया देखना। अरे पता बताओ ना, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? तो क्या है ना कि हमें तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है। रहने दो, मैं समझ गया। कहा? तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। आजकल प्रिंटिंग मशीन वाले भी साफ साफ नहीं छापते हैं ना। अच्छा भाई, चलता हूँ मैं। संभल के जाना भैया, स्टेशन पर चोर घूमते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। संभल के जाना, यहाँ जेब कट जाती है। ओ भाई साहब, जरा सुनिए भाई साहब, आपने हमको बुलाया? दिख नहीं रहा क्या, हम कितने बिजी हैं? क्या है कि बोलो ना, क्या काम है? अरे बोल क्यों नहीं रहे, अरे बोलो क्या काम है? वो जरा आपसे एड्रेस पूछना था। हमसे एड्रेस पूछना है? वो भी हमारा? आपको क्या काम है हमारे एड्रेस का? हम कहीं भी रहे आपको क्या, हम रास्ते में भी सो जाएं? आप रास्ते में हमारे पीछे आएंगे क्या? नहीं, आपका नहीं, लक्ष्मी का पता पूछना। लक्ष्मी का? कौन लक्ष्मी, कहाँ की लक्ष्मी? तुम कहना क्या चाहते हो, हमारा और लक्ष्मी का टाका भिड़ा है क्या? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। वो क्या है कि लक्ष्मी नाम का एक एड्रेस मुझे पूछना था। अरे कहाँ गया एड्रेस, कहाँ गया? और पैसे भी नहीं है, जेब कट गई, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हमसे क्या पूछ रहे हो आप? चपरा से यहाँ आए हमें 20 साल हो चुके हैं, हम तो खुद वापस चपरा जाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। छोटे, अरे इधर उधर क्या जा रहे हो तुम? देखो सामने में पार्क है और यहाँ पे डार्क है, तो चलो वहाँ भी कुछ साफ कर देते हैं। अरे छोटे, तुम्हें सफाई करने का बहुत शौक है। क्या करूँ भैया, मेरी आदत ही ऐसी है कि बटुआ देखते ही साफ करने का दिल करता है। देख इधर है बकरा। कौन है? इधर इधर इधर। आओ ना आओ, अरे कहाँ जा रहे हो? पेट भर कर पानी पी लिया है, कोई बात नहीं, आज खाना नहीं भी मिला तो भी काम चल जाएगा। चलो सो जाते हैं अभी।
ए रामचरण, लक्ष्मी के एड्रेस वाला कार्ड तो खो गया, अब कल जो भी होगा देखा जाएगा। ए यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं सो रहा हूँ। पार्क में सो रहा है। यहाँ क्यों आया बता? गांव से आया हूँ पैसा कमाने के लिए, परेशान मत करो। ओहो, ओहो, पैसा कैसे कमाएगा लोगों की जेब काट के? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। अच्छा इस पेटी के अंदर क्या है बोल? बम रखा है या स्मगलिंग का सामान रखा है? खोल के देखा इसे। नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको खोल। बोला ना साहब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मार के बोला ना, पहले इसको खोल। हमसे जबान लड़ाता है। यहाँ रखा है इसमें। चलो खोलो इसे। इन पुलिस वालों ने तो हमें धोया था, इसने तो उन्हें धो डाला। आइडिया, जल्दी बोलो। हम दोनों के पास दिमाग है। हाँ। और उसके पास है ताकत। हाँ। अगर हम सब मिल जाए तो क्या होगा? फेविकोल का जोड़ बन जाएगा। ओके भाई, तुम यहाँ कैसे भाई? और कहाँ जाऊँ भाई, कुछ जेब कतरों ने मेरे सारे पैसे चुरा के मुझे कंगाल बना दिया है। बड़ा शहर है ना, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हम आ चुके हैं। लक्ष्मी के एड्रेस वाला कार्ड खोने के बाद मुझे बहुत चिंता होने लगी थी। अच्छा, मैंने सोचा इतने बड़े शहर में मेरी कौन मदद करेगा, फिर तुम दोनों मुझे मिल गए। तुम लोग लक्ष्मी का घर ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्या? देखो भाई, दिल्ली जैसे शहर में किसी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये लो तुम्हारे लिए खाना। अरे इसे क्या सुबह नाश्ते में खाओगे? मैं भी अभी खाऊंगा। क्या हुआ? लगता है तुम दोनों इस शहर में बहुत दिनों से रह रहे हो। क्यों, सही है ना? लेकिन वो नहीं दिख रही, कहाँ है तुम दोनों की बीवियाँ? वो क्या है कि हमने अभी तक शादी नहीं की है। क्यों नहीं की? हमें शादी में इंटरेस्ट नहीं है। कोई खास कारण? ऐसा कोई खास कारण नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का नाम सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है। ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने शादी की ही नहीं है। अब देखिए ना, उन्होंने अपना सारा जीवन देश और लोगों की सेवा में बिता दिया। सिर्फ वही नहीं, जयललिता को देखिए, वो अभी तक कुंवारी बैठी हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। तो क्या गलत क्या बोलो, उन्होंने अपना जीवन परहित में लगा दिया। हम दोनों भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लोगों की सेवा करने के लिए बने कुली ब्रदर्स हैं। अरे वाह, तुम दोनों मुझे कुली कम महान आत्माएं ज्यादा लगते हो। वो तो है, इसी बात पर हम तुम्हें वरदान देते हैं। कौन सा वरदान है भाई? अब आगे देखते जाओ क्या होता है। क्या कर रहा है? मैं जानता नहीं क्या मुझे यहाँ करना क्या है, ये तो बताओ। गुंडों का सफाया, अत्याचार का खात्मा। अपुन कह रहे हैं मैं क्या अपुन के साथ होशियारी करता है क्या? तेरे को मैं नमस्ते करूंगा ऐसा लगता है क्या? ज्यादा सड़ा बनता है क्या? आज से ये इलाका मेरा है। ए सुन, आज से हफ्ता हमें देना है, इन सड़क छाप गुंडों को नहीं, समझे? तू हट, मैं बताता हूँ इसे। अरे फिसल के गिर गए क्या? अरे गिरा नहीं, गिरा दिया गया हूँ भाई। किसने गिराया तुम्हें? उन बदमाशों ने गिरा दिया। क्यों गिराया उसने? ये लोगों से हफ्ता वसूल रहे थे, मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका। बचपन से ही हम दोनों गुंडागर्दी के खिलाफ रहे और लगातार उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। यहाँ के लोग प्यार से मुझे छोटा नेहरू और भैया को छोटा गांधी बुलाते हैं। ये दुकान वाले जैसे तैसे मेहनत करके अपने लिए दो पैसे कमाते हैं और ये गुंडे लोग उनसे पैसे छीन लेते हैं। मैंने उन्हें रोका और कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन भाई उन्होंने मुझे मार कर गिरा दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या भाई? तुमने बिल्कुल ठीक किया भाई। अब ये अत्याचार सिर्फ तुम ही रोक सकते हो भाई। सुनो, इस तरह से पैसे वसूलना गलत बात है। तू कौन है बे? मैं रामचरण हूँ और मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। अबे चल फट। अरे बाप रे, अरे अरे, गरीबों से पैसे वसूलते हो? हाँ, दोबारा नजर आए ना, हड्डी पसली एक कर दो। तुमने ये साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा। तुमने आज दिखा दिया कि तुम ही गरीबों के मसीहा हो भाई। अरे छोटे, ये फूलों का हार लो और ले जाकर इनके हाथों से महात्मा गांधी की मूर्ति पर चढ़वा दो। जाओ भाई। आ जाओ भाई। सब कान खोल के सुन लो, आज से ये इलाका हमारा है। हमारे अलावा किसी को हफ्ता दिया तो सबको भारी पड़ेगा। जब भी हम आए तो हमारे हाथों में सब चुपचाप पैसे रख देना। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद। you
दढ़ियल कौन है? एरिया का सबसे बड़ा गुंडा भाई, यानी यहाँ का सबसे बड़ा शैतान। इसे सबक सिखाने में देरी नहीं होनी चाहिए। अरे तुमने बोल दिया तो समझो हो गया, मैं बस अभी आया। हे ऊपर वाले, दुकान खुलने से पहले इसे बंद मत करना। अभी तो हमने ठीक से लाल फीता भी नहीं काटा। ऊपर वाले, कमाने का मौका दो, इस गुल्लू की कहानी खत्म कर दो और हमें इस दिल्ली शहर का नवाब बना दो। ऊपर वाले, इज्जत का कचरा हो गया, जाओ। मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे मरना है, मुझे मरना है, छोड़ दो मुझे, जीना नहीं है, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कुछ नहीं। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, ऐसा कहते हुए थकते नहीं थे इस बस्ती के लोग। आज मेरी इज्जत का फालूदा बन गया, कौन करेगा मेरी इज्जत? उसने झोकरे ने मेरी मस्ती में मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा है। तू, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो। आप इशारा करो भाई, मैं उस लौंडे को ऊपर भेज दूंगा। तू ऊपर भेजेगा उसे? मैं भेजूंगा। तो फिर ठीक है, उसे जान से मार दो। ये कहाँ ले आए मुझे? ये स्वर्ग लोक है, भगवान इंद्र का दरबार है मेरे भाई। यहाँ तुम नाच गाना हर तरह की रासलीला देख सकते हो भाई, बस देखते जाओ और मजे लो। लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसमें समझने को क्या है, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ और इस जगह में पूरी तरह से खो जाओ, उसके बाद देखना क्या क्या होता। आज की रात तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी रामचरण। एक्सक्यूज मी, बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो? क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार है। तो समझो तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। अच्छा, तो चलो ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलते हैं। आजा आजा।
फुट ले भाई, एक मिनट तुम जाओ, मैं जाके आता हूँ। जल्दी जाओ नहीं तो यही निकल जाएगी। तुम फिकर मत करो, लक्ष्मी को हम मिल के ढूंढेंगे। हाँ लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? क्या भाई तुम्हें हम पे भरोसा नहीं? सुनो भाई, इस कॉलेज में कोई भी लक्ष्मी नहीं है, हमें कहीं और चलकर ढूंढना होगा। चलो। आप कौन सा लोचा है? पीछे जो स्कूटी में लड़की गई है वही तो लक्ष्मी है। मैंने उससे इसलिए झूठ बोला ताकि वो यहाँ दोबारा ना आए। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की लक्ष्मी ही है? ए रुचि, वहाँ देख लक्ष्मी आ गई। अब देख रुचि का कमाल। हाय हाय। चलो चलो उठा लेते, ज्यादा चोट आई क्या? नहीं ना। जब मैं आऊँ तो रास्ता एकदम खाली होना चाहिए, मुझसे दूर रहो या मुझसे पीछे, ये दो बातें याद रखना। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर से गिरना पड़ेगा। ओह सॉरी, अपना स्कूटर रिपेयर करवा लेना। कम ऑन, कितने घमंडी लड़की है। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। महालक्ष्मी पता नहीं क्यों पर पहले ही दिन से ये तुझसे बहुत चिढ़ती है। पता नहीं ये खुद को क्या समझती है, पैसे ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, सबको अपने इशारों पर नचाती है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, ऐसे चुप क्यों रही तुम? अरे यार अब छोड़ दे उसे, चलो क्लास के लिए चलते हैं, देर हो रही है। ये क्या लक्ष्मी, उसके फेंके हुए पैसे क्यों उठा लिए? उसे पैसों की कदर नहीं है पर हम लोगों को तो है। डियर स्टूडेंट्स, इस साल डांस कंपटीशन हमारे कॉलेज में होने वाला है, जिसे भाग लेना है वो नाम लिखवा दे। रुचि, साइलेंस, इस पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हीं ने अपना नाम लिखवाया है। रुचि बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। यस मैम, आई एम ओनली वन, आई एम नंबर वन। साइलेंस साइलेंस, थैंक यू थैंक यू। इस कॉलेज में सारे ही लोग अकलमंद है मैम, वो जानते हैं कि अगर मेरे सामने नाम दिया तो वो मुझसे चीत नहीं पाएंगे। महालक्ष्मी राइट। मेरा भी नाम लिख लीजिए मैडम, महालक्ष्मी। वेलकम। वाओ, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। कम ऑन गर्ल्स, इसके लिए तालियां बजाओ। One, two, three, four, five, six, seven, eight. अब ब्लॉक करेंगे, come on. Two, three, come on, upper block, hold. कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें होल्ड करना नहीं आता है? ठीक से करो, come on, continue. कोई फायदा नहीं। पापा, दवाई ले लीजिए। बेटा, तुमने तो कहा था कि रामचरण यहाँ जरूर आएगा, पर वो अब तक आया क्यों नहीं? मैंने सरपंच जी को एक खत लिखा था जिसमें मैंने रामचरण के बारे में बात की थी, आप मेरा यकीन कीजिए वो यहाँ जरूर आएंगे पापा। आइए भाई, आइए भाई, आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बैठिए ना। आप लोग मुझे देखकर उठ गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बैठिए ना भाई, बैठिए। ए भाई, के लिए ठंडा पानी लेके आओ, ठंडा पानी ला। ये पत्ते की क्या जरूरत थी, प्लेट में खा लेता। आप बाकी लोगों की तरह प्लेट में कैसे खा सकते हैं, पत्ता ठीक है, ताजा है, अभी तोड़ के लाया हूँ। सुन, भाई के लिए एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी ले क्या, जा। अरे मेरे लिए एक ही बिरयानी काफी है। भाई ऐसा मत बोलो, आपको तो दोनों बिरयानी खानी होगी। पहले आप ठंडा पानी पीजिए ना। मैं आ रहा हूं, भाई को इतना लफड़ा कर रहा है। एक घंटा पहले तेरे को मैं बिरयानी बोला था, लखनऊ से बिरयानी ला रहे लाई क्या? भाई नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। आप फिकर मत करो, आराम से बैठ के खाओ भाई, मैं चलता हूँ। अरे इसे अचानक क्या हो गया? वो पागल है भाई, आप उसे छोड़ो ना, आप बिरयानी खाओ ना भाई। आप लोग ये जूठा खाना क्यों खा रहे हैं? ये लीजिए, इसे खाइए। रहने दो, हमारे लिए जूठा खाना ही ठीक है, तुम्हारा ये खून से भरा खाना हमें नहीं चाहिए। चाचा, इसमें कोई खून नहीं है, ये तो बिरयानी है। अरे कौन सी तुम्हारी मेहनत की कमाई की बिरयानी है ये? कौन सा तुमने इसे अपने पैसों से खरीदा है?
ये कपड़े भी तुमने अपनी कमाई से नहीं खरीदे हैं, गुंडागर्दी की कमाई के है ना? अरे हम कोई गुंडे या बदमाश नहीं है जो ऐसी हराम की कमाई से अपना पेट भर ले। बू हम चाकू की नोक पर गरीब दुकानदारों से उसकी मेहनत की कमाई नहीं लूटते हैं। हमारी यह हालत तो इसलिए है कि हमें अपनों ने ही छोड़ दिया, लेकिन हम तुम्हारी तरह पापी नहीं है बाबू। वहाँ देखो कैसे तुम्हारे गुंडे लोग गरीब दुकानदारों को लूट रहे हैं। चल चल जल्दी कर, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगा। चल जल्दी कर। सुनो तुम लोग चुपचाप हफ्ता दे दिया करो। चलो छोटे। अरे क्या हुआ बाबू, जाओ तुम भी अपना हिस्सा ले लो। बोल बेटा मैं वहां से तेरे लिए क्या लेकर। बड़े आदमी बन के आना बस, बड़े आदमी बन के आना बस। हाँ जी साहब, 23 रुपए हो गए आपके। सॉरी मैडम, 100 का छुट्टा नहीं है। 100 का छुट्टा नहीं है, ऑटो चलाते हो तो छुट्टा भी रखा करो। आप चलिए, मैं पैसे देकर आती हूँ। देखिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कांप क्यों रहे हैं, सर्दी लग रही है क्या? ऑपरेशन के डर से। हाँ इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना आपके साथ, बी ब्रेव। हाँ सुनिए तो, मेरी छोटी बहन का जो पति है ना, ऑपरेशन से पहले उन्हें ऐसे ही कहा गया था, बी ब्रेव, हिम्मत रखो। ऑपरेशन से पहले उन्हें दौरा पड़ा और वो चल बसे। भाई साहब जरा बैग पकड़ेगा मेरा, पकड़िए। फिर मुंह खोला तुमने। अरे ये बहुत बड़ा गुंडा है, दूसरी गैंग वालों ने इसे चाकू मार दिया, मुझे तो नहीं लगता कि ये बच पाएगा। चलो चलो हटो, चलो हटो, चलो। हाँ चलो। अरे इसकी तो सांसें चल रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर ने जो कहा वो करना है, इसे मुर्दा घर ले चलते हैं। सुनिए कैश काउंटर कहाँ है? ओ वहाँ पर। स्टॉप इट, रामचरण! पापा! रामचरण! क्या हुआ बेटी? अंकल रामचरण! रामचरण! देखिए ना इसे क्या हो गया? रामचरण! रामचरण! यही रामचरण है भाई साहब, मैंने आपको बताया था ना, गांव में एक लड़का है रामचरण, ये वही है। What happened? ये क्या है डॉक्टर, यहाँ पेशेंट मौत से लड़ रहा है और आप इसे अटेंड नहीं कर रहे? देखिए मैडम, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये एक बहुत बड़ा गुंडा है, इसका केस लेने में रिस्क है और इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। डॉक्टर साहब हम है ना, हम इसे जानते हैं सर। प्लीज डॉक्टर और देर मत कीजिए, इसका फौरन इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए ये क्रिटिकल केस है, इसका खर्चा भी बहुत होगा। नो प्रॉब्लम, पैसे की फिक्र मत कीजिए। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? फिलहाल यही जरूरी है। लेकिन ये पैसे तो आपके ऑपरेशन के लिए हैं। मेरा ऑपरेशन इतना अर्जेंट नहीं है सुचित्रा। लेकिन दोबारा इतने पैसे कहाँ से आएंगे भाई साहब?
ना है तो ना सही, वैसे भी मैं 65 साल जी चुका हूँ, काफी नहीं है? चलो चलो, वो तुम्हें भी कहाँ जानता था, लेकिन नाव को डूबने से बचाकर उसने अपना धर्म निभाया। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो जरा सोच के देखो विश्वास, हमारा ये जीवन किस काम का? भाई साहब, आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ईश्वर करे कि आप 100 सालों तक जिएं, आप महान हैं। बोलिए बहन। मुझे अभिषेक करवाना है। नाम? रामचरण। रामचरण, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। अरे लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो पेशेंट जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। तुम्हारा नाम? रामचरण। पूरा नाम? रामचरण राजवंशी। रामचरण पर दूसरी गैंग के लोगों ने जानलेवा हमला किया, बोलो। अरे रामचरण तो अच्छा आदमी है, वो तो इस शहर में लक्ष्मी नाम की लड़की से मिलने आया था। उस बेचारे रामचरण को दोनों ने उल्लू बना दिया। लेकिन उल्लू बनाया किसने? अरे भाई, अपने 420 छोटे और बड़े। अरे छोटे, हमने गलती कर दी क्या? आज तक हमने सही किया ही क्या है? इतने सालों तक हमने लोगों की जेब साफ की, न जाने क्या क्या नहीं किया लोगों का माल उड़ाने के लिए, लेकिन आज हमारा अपना साथी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो क्यों ना आज ही हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और रामचरण के पैरों पर गिरकर माफी मांगें। ये पीछे से कैसी आवाजें आ रही हैं? अभी स्पीड बढ़ाओ भाई। अरे रुको, आगे कहाँ जाओगे? बचा, हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया और गरीबों को लूटा। आज के बाद से ये सब काम बंद, इनसे कहो हमें माफ कर दो। का गुनाह इतना बड़ा है कि माफी मांगने से भी खत्म नहीं होगा। इस भले आदमी की हालत की जिम्मेदारी यही दोनों है, मारो इनको। रुक जाओ, ये गलत नहीं है। ये लोग हालात के हाथों मजबूर होकर ऐसा कर रहे हैं, फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। रामचरण को देखो, अरे इसका दिल बहुत बड़ा है। सही कहा बाबा। रामचरण, तुम वाकई बहुत महान हो। आज से हम कसम खाते हैं कि अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे भाई। तुम लोग एक नंबर के ड्रामेबाज हो, अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? माँ की कसम खाते हैं, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे काम पहले क्यों किए तुमने? सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। खाते हैं कसम नहीं करेंगे नादानी। क्या मतलब? सुनिए, जो मंदिर में पैदा होता है वो पुजारी, फुटपाथ पे पैदा होने वाला भिखारी, रोड पर पैदा होने वाला या तो गुंडा बनता है या मवाली। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। आज के बाद कोई गलत काम नहीं सर। वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑनरेबल गेस्ट्स, नाउ वी आर गोइंग टू विटनेस द प्रेस्टीजियस डांस कॉम्पिटिशन बिटवीन रुचि एंड महालक्ष्मी। डांस कंपटीशन में तो मुझे हराया, लेकिन जिंदगी की कंपटीशन में मैं तुझे हराऊंगी। दिस इज माय चैलेंज। कांग्रेट्स। थैंक यू। आओ नजर उतारो। शैतानों से बचाओ, चोरों से बचाओ, बीमारी से बचाओ, बुरी नजर से बचाओ और जेब कतरों से बचाओ। ऐसी सारी बुरी नजरों से बचाओ। थू 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 थू। ये सब किसी फिल्म स्टार्स की फोटोज नहीं है, टाइकोंडो चैंपियंस की फोटोग्राफ्स हैं। इन सबको ट्रेनिंग हमारे परशुराम जी ने दी है। हाँ हाँ, इस टाइकोंडो की वजह से इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अरे बहन, ट्रेनिंग देने वालों को दिल का दौरा पड़ जाता है? ट्रेनिंग देने से नहीं पड़ता, स्टूडेंट की मार से पड़ता है। समझे। फिर मुँह खोला तुमने, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उस सूरज ने ही तो मारा था। ये सूरज कौन है? वही सूरज जिसे भाई साहब ने टाइकोंडो में चैंपियन बनाया था। उसने गुरु दक्षिणा में दिल का दौरा दिया था, मतलब ही कहीं का। मैंने कहा था आगे से किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें यहाँ बुला लिया। चुप नहीं रह सकते क्या? सामने टाइकोंडो के नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस की फोटोग्राफ्स हैं, और एक दिन तुम्हारी भी फोटोग्राफ यहीं लगेगी।
मैं तुम्हें हर हाल में इंटरनेशनल चैंपियन बना के रहूंगा, ये मेरा सपना है। तुम्हारी कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, बी रेडी। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। पंच। बुरा वक्त शुरू हो गया ब्रदर। किसका? तुम्हारा और किसका? गुरुजी ने कहा था ना, मिट्टी से हीरा पैदा करेंगे। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम तो बेटा गए काम से, बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। क्या गुरुजी, क्या यही है वो आपका हीरा? मुझे नहीं लगता फाइट में ये एक मिनट भी टिक पाएगा बेचारा। आपकी कटी हुई नाक को और भी कटवाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपकी उम्र के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। वैसे ये तुम्हें रिंग में अच्छे टक्कर दे सकता है। ए, अगर इसमें हिम्मत है तो मेरी तरह एक किक मार के दिखाए। अब आधे घंटे तक ऐसा ही घूमेगा। तुमने देखा भाई, कितना घमंडी है ये। अरे तुम सोच क्या रहे हो भाई, इसे भी पता लगना चाहिए कि तुम क्या चीज हो। आगे बढ़ो भाई और ऐसी किक लगाओ कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। इसी की वजह से गुरुजी को दिल का दौरा पड़ा था भाई। दिखा दो भाई, दिखा दो। हाँ दिखा दो, दिखा दो कि तुम्हें कितना दम है। इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। मैंने कहा था ना ब्रदर, बुरा वक्त शुरू हो गया है। ये लो, इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा, सब बात टाइम टाइम की है। किस्मत कब बदल जाए पता नहीं चलता। तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है और उसका टाइम सॉलिड चल रहा है। डोंट बॉदर ब्रदर, जैसे कुछ दिन पहले तुम आए थे वैसे तुम्हारे बाद वो आ जाएगा। अरे ब्रदर रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। सोचो अगर वो किक उसने तुम्हें मारी होती तो मेरा सपना पूरा हो जाता जो मैंने सालों पहले देखा था। वन टू थ्री, गेम ओवर। सामान बांध लो, उसकी एक किक से वो दोनों 1 किलोमीटर दूर जाके गिरे और तुम्हारे किक तुम्हारी किक से 1 मीटर का भी फर्क नहीं पड़ा। तो ब्रदर कान खोल के मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी बची खुची इज्जत बचानी है तो जल्द से जल्द खुद ही रिटायरमेंट ले लो ना। मैं ही नंबर वन हूँ और हमेशा रहूंगा। आई एम द बेस्ट। यस, यू आर ऑलवेज बेस्ट। बेस्ट? हाँ, तो मना किसने किया है? हमारा ये हीरो कल तक तो नंबर वन ही था, लेकिन आज के बाद से नंबर वन वो हो गया है। ए, निकल यहाँ से। मैंने उसे कुत्ते की तरह मारा लेकिन वो मेरी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी नहीं गया। आया है बड़ा बात करने वाला। सूरज बेकार के टेंशन मत ले तो, और आने वाली स्टेट चैंपियनशिप के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। एक गधा दूसरे गधे को राय दे रहा है। इनके आगे बोलना मतलब भैंस के आगे बिन बजाना। यस, कम ऑन, शाबाश, वेरी नाइस। स्टेट लेवल टाइकोंडो चैंपियनशिप। चोट तो तुम लोगों को बहुत कम लगी थी, फिर इतनी पट्टियां क्यों? अरे भाई एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, इसीलिए एडवांस में ही पट्टियां बांध ली। हमने बाद में लगने वाली चोटों के लिए पट्टियां अभी से बांध ली हैं। कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। एक्सक्यूज मी? मी? हाँ, यस यू। यस। पेपर में फोटो छपवाने के लिए क्या करना होगा? किसकी फोटो? तुम्हें क्या? इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हेलो, माना कि हम पहले अकल से पैदल थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। इसे देखो, क्या इन्होंने पैसे देकर फोटो छपवाई है? इन्होंने टूर्नामेंट जीता है इसलिए। भाई की फोटो पेपर में छपेगी क्योंकि भाई ही जीतने वाले हैं। कैसे पता? पीछे देखो, हमारे भाई का क्या स्टाइल है। वो आज स्टेट टाइकोंडो चैंपियनशिप जीत सकता है और उसके बाद वो नंबर वन बन जाएगा। बिना सीखे कोई नंबर वन कैसे बन सकता है? उसमें सीखने की क्या बात है, उनके एक किक से हम दोनों 1 किलोमीटर दूर जा गिरे। अगर वो गेम में इसी तरह किक मारेगा तो क्या वो जीत नहीं जाएगा? गाना गाना हो या लड़ना हो, दोनों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। उसके बाद सही टेक्निक आनी चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटिशन की बारी आती है।
तुम दोनों हंस क्यों रहे हो भाई? तो फिर हम लोग क्या करें? मछली को कोई तैरना सिखाता है क्या? पंछी को कोई उड़ना सिखाता है क्या? उसी तरह भाई को धुलाई सिखाने की क्या जरूरत है? गुरुजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रामचरण को कोई नहीं हरा सकता। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, कोई कितना भी होनहार क्यों ना हो, बिना ट्रेनिंग के कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे बस एक मौका दीजिए गुरुजी, मैं मार मार कर उसकी हेकड़ी निकाल दूंगा। Now the next participant is Mr. Suraj. Opponent, Mr. Ramcharan. आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, समझे? बेस्ट ऑफ लक रामचरण, उसे आराम से मारना नहीं तो वह मर जाएगा। स्टॉप। गेम के रूल तोड़ रहे हो, यू वायलेटिंग द रूल्स, यू आर वायलेटिंग द रूल्स। कौन सा रूल, कैसा रूल? हां मैंने तुझे कहा था ना, इस दुनिया में एक ही सूरज, एक ही जान और टाइकोंडो का एक ही चैंपियन सूरज है। बुड्ढा मुझे चैलेंज करेगा, मुझे चैलेंज करके हराएगा तू? आई एम द चैंपियन, समझे? पापा वो देखिए रामचरण। रामचरण, मेरी वजह से आपको बेइज्जत होना पड़ा। आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने आपका सिर नीचा कर दिया। आप सही कहते थे कि बिना ट्रेनिंग के मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर गलती का एहसास हो गया है तो उसे ठीक करो। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, पर बहुत कम लोग उसका प्रायश्चित करके उसे सही कर पाते हैं, और वही लोग आगे चलकर महान बनते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर कोई हारता है तो उसका बुरा लगना लाजमी है, लेकिन तुम तो बिना ट्रेनिंग के ही रिंग में उतर गए थे। हार के बाद मायूस तो हर कोई होता है, पर हार की वजह पर गौर करना जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपना नाम कमाया उन लोगों ने हार का मुंह भी देखा है। हार कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसलिए सीखो, सामना करो और जीतो, खुद को साबित करो। यस माय बॉय, ये तुम्हारे लिए पहला सबक है। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम विजेता बनोगे। अब तुम्हें लगातार जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और ये ठान लो कि तुम अपने टैलेंट का सही यूज करोगे। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, और इस बात का मुझे विश्वास है। तुम एक कायर की तरह मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते, तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, जो तुम हो। मुझे बरसों से एक अच्छे और काबिल शिष्य की तलाश थी, और तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकते हो। मेरे विश्वास को मत तोड़ो रामचरण।
अक्षय। जरा धीरे भाई। अरे ये क्या है भाई? भगवद गीता, मेरी पत्नी कल ही बाजार से लेकर आई है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। परित्राणाय साधु नाम। मुझे इसका अर्थ नहीं पता है, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों को आता होगा। इसमें तो बड़े ही माहिर हैं। वो क्या है ना कि आज तक मैं जनगण मन नहीं समझ पाया, तो ये भगवत गीता क्या समझ पाऊंगा। क्या मतलब? नहीं जानता। और छोटे तुम्हारा क्या? मुझे तो काका गगा भी ठीक से नहीं आता। ओहो, और तुम्हारे बारे में? मैंने आज तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। आप बिना सारा सामान ले लिया, कुछ भूली तो नहीं? नहीं, नहीं। क्या रे चैंपियन, आलू प्याज खरीदने निकला है? एक बार तो मैंने तुझे धूल चटा दी, अब दोबारा लड़ने का क्या मतलब बनता है? नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप है ना, वो कोई गांव में खेली जाने वाली कबड्डी नहीं है, समझा? चुपचाप गांव जाओ और खेती बाड़ी कर, भैंस को चारा डाल। ए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? इतनी मार खाने के बाद ये क्या बोलेगा? बदतमीज, मुंह बंद कर। ओ, 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 मैडम जी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा तो इसे टाइकोंडो सिखा रहे हैं, लेकिन तुम इसे क्या सिखा रही हो? रोमांस। इस गुंगे से तो कल रिंग में ही बात करूंगा, चलो रे। तुमने मुझे रोककर उस पर एहसान किया, वरना आज वो मेरे हाथों मारा जाता। जब उसने तुम्हारा अपमान किया तुमने कुछ नहीं कहा, और जब मेरे बारे में गलत कहा तो तुम्हें ऐसे गुस्सा क्यों आ गया? मैं मर्द हूँ, चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने। वैसे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अगर आज वो मर जाता तो कल तुम मुकाबला किसके साथ करते? नाउ मिस्टर रामचरण। बार तो ये पूरी कोचिंग लेकर रिंग में उतरा है। अबे, इतने सालों से तू मेरे साथ है, कुछ सीखा क्यों नहीं? तुमसे कोई क्या सीख सकता है? ये कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे हराना इसके बस की बात नहीं है, समझा? मैं तो बचपन से ही चैंपियन हूँ, समझे कल्लू? ओ गॉड, ये जानता नहीं है कि आज रिंग में उतरने के बाद कितना बुरा हाल होने वाला है। आमीन। अपने मिस्टर मुरलीधर वेरी गुड। नेक्स्ट मिस्टर सूरज एंड अनिल देसाई। एक भी प्रोग्राम देखने लायक नहीं है। एंड नाउ द फाइनल बिटवीन मिस्टर सूरज एंड रामचरण। My boy.
मेरी सुन ली, थैंक्स। No, that is against rules. Don't do it. I am proud of you, my boy. I am proud of you. Congratulations, Ram Charan. No, please, let's get off. Yeah, ji. Soon the world will see the champion. Very good. He is worthy of any title. उस दिन तूने डांस कंपटीशन में मुझे हराया था, लेकिन जिंदगी की कंपटीशन में तुझे कैसे हराना है ये मैं जान गई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर फ्रेंड्स। तो अब दुनिया के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवक, राष्ट्र के गौरव और हमारे आज के इस प्रोग्राम के संयोजक श्री केके साहब आपसे चंद शब्द कहना चाहते हैं। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे मिट्टी से सोना निकलता है, वैसे ही इस गांव से चैंपियन निकला है और वो है हमारा रामचरण। थाईलैंड में होने वाली टाइकोंडो चैंपियनशिप के लिए हमारे रामचरण और सूरज को हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर करने का फैसला किया है और इनका सारा खर्चा हमारी कंपनी ही उठाएगी और हम चाहते हैं कि ये लोग वहां जाकर पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करें। और इस प्रोग्राम का सारा इंतजाम और इन्हें स्पॉन्सर करने का फैसला दरअसल मेरा नहीं है बल्कि मेरी लवली प्रिटी डॉटर का है। नाउ आई प्राउडली इनवाइट हर। तो रुचि जी से हम आग्रह करते हैं कि वो स्टेज पर आए और रामचरण को ये शील्ड प्रदान करें। आइए रुचि जी, आपका स्वागत है। हे, सरप्राइज कैसा लगा? लक्ष्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आज लक्ष्मी के सामने ये शील्ड रामचरण को देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्लैप। बीज कोई और बोता है और फल कोई और खाता है, दुनिया का यही रिवाज है। भगवान, मुझे रामचरण बहुत अच्छा लगता है, मेरी उनके साथ शादी हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाय, रामचरण एक बहुत बड़ा आदमी बने, उसका पूरी दुनिया में नाम हो, यही चाहती हो ना तुम? भगवान से यही मांग रही थी ना? अच्छा, तुम उसके भविष्य के लिए क्या कर सकती हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकती, पर मुझे पता है तुम प्रार्थना कर सकती हो, मंदिर में आकर उसके लिए नारियल तोड़ सकती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। सुची, प्लीज माइंड योर बिजनेस। ओह सॉरी सॉरी, रामचरण सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, आज वो नेशनल प्रॉपर्टी हो गया है। कोई भी लड़की उसके बारे में सोच सकती है, उससे प्यार कर सकती है। ये सब मुझे मत बताओ, समझी तुम? मैं तो तुम्हें बता कर रहूंगी। तुम एक किराए के घर में रहती हो और वहाँ का किराया भी वक्त पर नहीं दे पाती हो, टिपिकल मिडिल क्लास। और जो मैं करूँगी वो तुम सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं। लुक, मेरे पापा की दौलत और रामचरण का स्टाइल, वाओ, जितना भी देख लो मन ही नहीं भरता। अगर रामचरण के पास आज तुम्हारे गरीब पिताजी होते तो वो एक कॉमेडी शो बन जाता। रुचि, तुम उसे अपने घर में रख के फाइट सिखा के समझती हो कि तुम उसका दिल जीत लोगी? यही है तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी। आज पूरे देश की नजरें उस पर हैं और इसीलिए आज मैं उसके लिए पूजा करवा रही हूँ ताकि कोई मिडिल क्लास बुरी नजर उस पर ना पड़े। इसे कहते हैं रिच क्लास मेंटालिटी। माय डियर फ्रेंड, अगर तुम वाकई रामचरण की भलाई चाहती हो तो जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तुम्हें यही रहना होगा और प्रसाद लेकर जाना तुम। अरे लक्ष्मी, कहाँ थी तुम? मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, आज मेरे लिए यहाँ पूजा हो रही है, आओ ना। Thank you.
रामचरण जी ये लीजिए 2 लाख रुपए का चेक। 2 लाख रुपए का चेक किस लिए? कोच परशुराम जी के बाईपास सर्जरी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि थाईलैंड जाने से पहले उनका ऑपरेशन हो जाए और वो ठीक हो जाए। मैं जिनकी इज्जत करती हूँ उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। परशुराम जी मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा हैं और देश को उनकी जरूरत है। आपके गुरु के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा रख लीजिए। महालक्ष्मी बैठ जाओ बेटा। नहीं आंटी मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं ये रामचरण कब आएगा। तुम खाना खा लो, मैं उसका इंतजार नहीं कर रही, बस भूख नहीं है। अरे आप लोग जानते हैं ये रुचि कोई मामूली लड़की नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूँगा खरा सोना है। अरे उसका बाप तो एक नंबर का कंजूस इंसान है। उसने मेरे लिए सिर्फ थाईलैंड का टिकट खरीदा था, लेकिन रुचि ने अपने पिता को जोर की डांट लगाई और हम दोनों के टिकट का भी इंतजाम करवा दिया। वाह 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 वाह, क्या बातें करती है रुचि। जब वो बातें करती है तो मेरी तो नजरें नहीं हटती उससे। अब बस भी करो, उसकी तारीफ मत करो। क्यों ना करूं, आखिर वो मेरे गुरु की कितनी इज्जत करती है। गुरुजी जब भी कोई आपकी तारीफ करता है तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। उसने कहा कि थाईलैंड जाने से पहले आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए का चेक भी दिया है। अब आपको तुरंत ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, ये चेक उसे वापस कर दो। ऐसा क्यों बेटी, उसने भाई साहब का सम्मान करते हुए ये चेक दिया। करेक्ट, फैंस अपने हीरो को अलग अलग तरह के गिफ्ट्स देते ही रहते हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। कौन सा फ्री में दिया है, राम की वजह से वो आगे चल के कमाई करेगी। हाँ अब समझा, जैसे तुम लोगों ने राम को लूट कर कमाई की थी ठीक वैसा ही। प्लीज फ्लैशबैक में मत जाइए। अरे आप कहाँ खो गई, खाना दीजिए भूख लगी है। तुम खाना खाकर नहीं आए, उस रुचि ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया क्या? होटल की बिरयानी और घर में बने दाल चावल में बहुत फर्क होता है। महालक्ष्मी जी जल्दी से खाना दीजिए मुझे। परशुराम जी कहां पर है? वो वहां सामने। रामचरण यहां इस तरफ आओ, मेरे पास आओ, बैठो। गुरुजी थाईलैंड जाने के सारे इंतजाम हो गए हैं ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? मैं कहीं नहीं जाने वाला गुरुजी। व्हाट, नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कैसे जाऊं गुरुजी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर क्यों जाऊं और किसके लिए जाऊं? अपने देश के लिए जाऊं, दुनिया में अपना नाम करने के लिए। अपना नाम करके मुझे क्या मिलेगा? मेरी ताकत और मेरा हौसला तो आप हैं, मैं आपके बिना अकेले क्या कर पाऊंगा? तुम अकेले कहां जा रहे हो रामचरण, तुम्हारे साथ रुचि भी तो जा रही है। हाँ पापा, कोच परशुराम जी का सपना पूरा करने के लिए और लक्ष्मी को कामयाबी दिलाने के लिए मैं कॉलेज छोड़कर इनके साथ जाऊंगी, ये ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कहती हो सिस्टर? अरे वो क्या कहेगी, सिवाय बेस्ट ऑफ लक के। हाँ पापा, लक्ष्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य मैं हासिल करूंगी। यस, चिंता मत करो, तुम्हारी कमी मैं पूरी करूंगी। माय डियर पुअर फ्रेंड, मैं उसके साथ थाईलैंड जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो वो मेरा जीवन साथी बन चुका होगा। तुम यहाँ लेट के बस सपने देखो, उन्हें कलरफुल तो रुचि बनाएगी। क्या तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? तुम्हारा ये एक्सीडेंट किसने करवाया है? मैंने। बात सुनो रामचरण, सोचने को अब कुछ नहीं है। मैंने अपनी बीमारी को भुलाकर, पता है तुम्हारा ऑपरेशन किस लिए करवाया था? ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सेहत को नजरअंदाज क्यों किया पता है? ताकि मैं उससे बड़ा सपना पूरा कर सकूं। तुम्हें जाना होगा और जाकर जीतना होगा, तभी मुझे शांति मिल सकती है। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपमान से मर जाऊंगा। बोलो रामचरण बोलो, मुझे खुशी की जिंदगी देना चाहते हो या अपमान की मौत? बताओ रामचरण बताओ। गुरुजी ऐसा मत कहिए, आपको जीना है और सिर उठा के जीना है। तो मुझे मेरी गुरुदक्षिणा दो, वादा करो कि तुम थाईलैंड जरूर जाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं गुरुजी, मैं जाऊंगा और जीत कर ही लौटूंगा।
आशीर्वाद दीजिए मुझे। जीत तुम्हारे कदम चुमेगी माय बॉय। जाओ और जाकर अपने गांव और देश का नाम दुनिया में ऊंचा करो। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। मैं जानता हूं लक्ष्मी, तुम हमेशा मेरा भला चाहती हो। अपना ख्याल रखना। कुछ लोग प्लान बना के आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके जाल में मत फंसना और जीत कराना। ओके ओके ओके, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, देर हो रही है, चले। देखा लक्ष्मी कैसे वो तुमसे उसे छीन कर ले गई। नो नो नो, मैं थाईलैंड नहीं जाने वाला, मुझे हार कर नहीं लौटना। तू तो खुद को हमेशा नंबर वन कहता था, फिर आज ये हारने की बात क्यों कह रहा है? आज पहली बार सूरज थर थर कांप रहा है, उसका पंच याद करके तुम्हारी पल्सरेट बढ़ जाती है और उसके दहशत से तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। देखो ब्रदर, अगर रामचरण वहाँ जा रहा है तो खुद खुशी करने से अच्छा है कि तुम यहीं रह जाओ। तू चुप कर। अगर वो इस बार नहीं लड़ता ना, तो दुनिया का कोई ऐसा फाइटर नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। अगर वैसा नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा। और हाँ, भले ही वो थाईलैंड पहुँच जाए लेकिन स्टेडियम नहीं पहुँच पाएगा, और अगर स्टेडियम पहुँच भी गया तो रिंग में नहीं उतर पाएगा। ये गुल्लू का वादा है, तो अपनी तैयारी कर, एयरपोर्ट निकलने का। रामचरण, अब हमारे बीच ये कैसी शर्म? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए, हम दोनों तो एक ही है ना। यू फॉर मी एंड आई फॉर यू, कम ऑन। रुचि जी। यस, मुझ में रुचि लो ना तुम। हम इस रात को यादगार बनाते हैं, तुम्हारे साथ थाईलैंड इसीलिए तो आई हूँ। शर्माओ मत, पास आओ ना, कम ऑन। जीत गए हो, आगे भी जीतोगे, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। समझोगे भी नहीं, मैं क्या कह रही हूँ और क्या करूँगी ये तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। यू आर ग्रेट, रियली यू आर अ ग्रेट मैन। तुम मेरी टेस्ट में पास हो गए। अच्छा, तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? मैंने तो कुछ और ही सोच के तुम्हें चांटा मार दिया। हाँ, मारा तो है। दिल पे मत लेना प्लीज। डोंट वरी, अभी जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। ओके, गुड नाइट। वाह, ऊपर वाले, इन लड़कियों को समझना कितना मुश्किल काम है। इतनी जल्दी आ गई, रोमांस पूरा हो गया? रोमांस शुरू ही कहा हुआ जो पूरा होगा। क्यों, लेने के देने पड़ गए क्या? लेने के देने तो अब उस रामचरण को पड़ेंगे। यस, वो कल रिंग में कदम तक नहीं रख पाएगा। आजाओ आजाओ, मारो राम, हीरो बन गए हो, टीवी में आ गए हो, मजा आएगा रे, मजा आएगा, जय राम के। मेहरबान कदरदान, सुनिए सुनिए, आज हमारे रामचरण का जबरदस्त मैच इस टीवी पर आने वाला है। क्या कर रहे हो, पीछे हटो। चुप, टीवी किसका है? मेरा ही है। गांव के हर शख्स को रामचरण की बहादुरी देखनी चाहिए, इसलिए टीवी निकाल के मैंने बाहर रख दिया है। Ladies and gentlemen, I welcome you all to the 13th Asian Games in Bangkok at the National Taekwondo Stadium. अरे तुम इतनी देर कहाँ थे? मेरा भाई टीवी पे आने वाला है, आ जाओ। Now the next match is between Mr. Suleiman Tao from Thailand and Mr. Ram Charan from India. Mr. Ram Charan, first time. Mr. Ram Charan, second time. Mr. Ram Charan, third time. अरे राम चरण, कहाँ चला गया रे?
तेरे परिवार ने तुझे निकाल दिया था, पर तेरा गांव तुझे चाहता है। आजा, आजा अपने गांव, आजा रामचरण। Spectators, your attention please. There has been a change. The participant from India, Mr. Suraj. सूरज, ऐसा क्यों किया तुमने? रामचरण, जब तक तुम फाइट नहीं करोगे हम जीत नहीं पाएंगे। हमारे देश को जिताने के लिए तुम्हें रिंग में उतरना ही होगा, और तुम्हारी जीत में ही हमारे देश की जीत है। यस सूरज। From Korea, and for Mr. Amir from UAE. He is two-time international champion. The winner is Mr. Kim Chu from Korea. Now the final competition is between Mr. Ram Charan from India and Mr. Kim Chu from Korea.
रामचरण, कम ऑन, चेकअप फास्ट। सूरज, डॉक्टर से कहो मुझे छोड़ दे, मैं भी और लड़ना चाहता हूँ। नहीं रामचरण, तुम ठीक नहीं हो, कंपटीशन अगले साल भी हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। जीत हार का फैसला रिंग में होना चाहिए। जब तक जिंदा हूँ कायरों की तरह फाइट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने गुरुजी से वादा किया था, मैं जीत कर लौटूंगा और उनका सपना पूरा करूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा हाथ टूट गया है। अगर चाहते हो कि इंडिया जीते तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो प्लीज। Champion of Asia, Mr. Ram Charan from India. India! 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 मैं जानता था राम चरण ही जीतेगा।
रूप में पाने के लिए आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। Who's that angel? Who's that lucky girl? Tell her name. रामचरण उस लड़की का नाम पूछ रहे हैं। बैक महालक्ष्मी Thank you, ladies and gentlemen. Now, we really need to take him to the hospital.